अपराध पर यूपी उपचुनाव में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने यूपी की आपराधिक ग्राफ ट्वीट किया तो पलटवार में सीएम योगी ने सपा को माफिया का प्रोडक्शन हाउस करार दे दिया। अतीक मुख्तार जैसे माफिया को इसी सपा के प्रोडक्शन हाउस का प्रोडक्ट बता डाला। ये समाजवादी पार्टी आप यहाँ तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। यानी सीएम योगी के निशाने पर चाचा और भतीजे दोनों थे और साथ में निशाने पर था सपा का पीडीए वाला नारा। ये पीडीए की बात तो करती है लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है ये। सीएम योगी की जनसभा अंबेडकर नगर में थी, लिहाजा जनता पर जादू चलाने के लिए सपा पर वार किया। यही क्षेत्र है खान मुबारक भी इन्हीं का साथियों था कि नहीं था। मुख्तार अंसारी भी इनका साथियों था, अतीक अहमद भी इनका साथियों था जिन्होंने गरीबों को लूटा। यानी बुलडोजर बाबा का एक एक शब्द अपराध और अपराधियों के खिलाफ, लेकिन उनके हर शब्द में सपा पर निशाना। कोशिश यही कि उपचुनाव में कानून व्यवस्था के नाव पर बैठकर किसी तरह नैया पार हो जाए, फिर चाहे जितने भी सियासी वार करने पड़ जाएं।